अब आप नहीं, ये 5 मिनट का मार्जिन है तुम्हारा, 5 मिनट में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। पूरा खाना दे दे तुम्हें, दाल चावल रोटी पकौड़ी चना पक्का, अब जो भी देना है दे दो, चलो बात कर लेते। अगर अभी दाल चावल रोटी खा ली तो ना 11 बजे उठकर बोलेंगे रानी थोड़े से पकौड़े बना दो ना, चलिए मैं पकौड़े ही बनाकर दे देती हूँ उनको। सांप को इतनी क्रेविंग क्यों है पता, पिक्चर देखते समय श्रद्धा कपूर ने बड़ा सा व्हाइट ब्रेड का लिया था तो तब से मुझे भूख लगी। चलिए टाइम लगाकर पकौड़े बनाते हैं। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। चलिए टाइम लगाकर आज एक प्लेट, मतलब साहब तो 2 प्लेट खाएंगे ना, तो उतने पकोड़े बनाते हैं। देखिए पहले मैंने घड़ी लगा दी, उसके बाद कढ़ाई गरम रखी, तेल गरम रखा और उसके बाद दूसरे काम कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए ही आगे चलें, क्योंकि वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। और मैंने YP रा चैनल पर है ना, वीडियो को लाइक कैसे करते हैं, कमेंट कैसा करते हैं, वो वीडियो अपलोड किया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने उसका लिंक भी शेयर किया है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़े से बाउल में मैंने आधी बड़े साइज़ की प्याज मोटा मोटा कट करके लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, एक हरी मिर्च कट करके ली है, 1/4 चम्मच अजवाइन डाला और 100 ग्राम से भी कम है ये बेसन का आटा, ये डालकर छान रही हूँ। आटा छानना ज़रूरी है, वैसे भी ये रेडीमेड आटों में कभी कुछ नहीं निकलता है, पर दिल की तसल्ली के लिए छानना ज़रूरी होता है। जितनी डेट होती है ना उसी के अंदर ख़त्म करती हूँ, तो कभी ऐसा कभी कुछ कीड़ा ऐसा कुछ निकला ही नहीं है, फिर भी पहले से छानने की आदत है तो छान ही लेती हूँ। चलिए 4-5 चुटकी नमक, 2 चुटकी खाने का सोडा डाला है मैंने, 4-5 चुटकी मतलब 1/4 चम्मच से कम नमक है क्योंकि आटा बहुत कम है। चलिए इधर तेल गरम होने तक देखिए ये सारी चीज़ें बराबर मैनेज हो जाती हैं। लगभग मैंने 4 से 5 मिनट में ही सांप को पकौड़े दे दिए थे। ये देखिए आटे को इस तरह से मिक्स करना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा आटा पतला भी हुआ ना तो पकौड़े बहुत सॉफ्ट गिड़गिड़े बनते हैं हमारे इधर बोलते हैं, और अगर क्रिस्पी चाहिए ना तो ये आटे के क्रिस्पी नहीं बनते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिलाना पड़ता है, या तो फिर घर का आटा होगा तो माशाल्लाह, मतलब जो चना दाल पिसाते हैं ना वो, उसके बहुत क्रिस्पी बनते हैं, ये सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। चलिए देखिए मैंने नमक टेस्ट कर लिया, परफेक्ट था। तेल में भजे छोड़कर मैं हाथ धोने को गई, अगर बीच में हाथ धोने जाती थी ना वो भी 3-4 सेकंड काउंट हो जाते थे ना, तब तक इधर पकोड़े फ्राई हो जाएंगे, इसलिए काम को मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। क्योंकि पादरी साहब का कैसा है पता है क्या, मुंह से निकाले बराबर हाथ में होने का उनको हर चीज़, और मैं पहले से इतना फास्ट ही देती आई हूँ उनको, तो उनको वही आदत है कि मुंह से निकाले बराबर हाथ में चाहिए ही चाहिए, और ये पकोड़े उनको बार बार याद आते हैं। योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं और फ्राइड चीज़ें बहुत खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं। टेस्ट कैसा है वो तो बोलो, मिर्ची की खराबी तो बोल दी है। हेलो ताचा, अगली बार आओ, अब मंगो अगली बार, 5 मिनट से भी कम टाइम में बना दे, बढ़िया। अब मंगो अगली बार, मैं ले जाता हूँ। दाल सलना चावल ही देना पड़ता है क्योंकि अभी बाकी सब बैगन वगैरह फ्राई करना था, भुनना था, सब भूल जाओ, चावल डाल दो, मैं कर लूं। लेक जा, नहीं वो चाहिए ना, अरे वो फ्राई होने टाइम लगता है तब तक तुम्हारा खाना होता ना। ये मेरे हाथ के पकोड़े मेरे ससुर को भी बहुत पसंद थे, वो बोलते थे अमारानी थोड़ा टुकड़ा भजी बना ले माँ बोलकर, तो मैं उनको भी बना कर देती थी। जैसे मेरे ससुर आने वाले होंगे ना तो मैं घर का आटा पिसा कर रखती थी, अब्बा आने वाले हैं बोलकर।
चलिए देखिए पादरी साहब को चावल और तुरई का दोपहर का सालन ही दे दी, क्योंकि पकोड़े खाने के बाद इसमें का आधा चावल भी वो बचाए थे। चलिए किचन काउंटर साफ़ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा रात में साफ़ करके सोए ना तो ही चीज़ें सही रहती हैं। वैसे मेरा रूटीन पहले था, कितना भी थक जाऊँ करके ही सोती थी, पर अब नहीं। थोड़ा सा यूट्यूब का काम बच जाए ना, इसे मोटा मोटा हाथ घुमा लेती हूँ, यूट्यूब का काम पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद अगर रात देर रात तक जागी होंगी तो के वापस करती हूँ। बस देखिए मैंने काउंटर तो अच्छे से साफ़ कर लिया। तेल ठंडा होने के बाद कैन में डाल लूँगी छानकर। ये बर्तन छोड़ दिए हैं, देखूँगी इंशाल्लाह बाद में धोऊँगी या सुबह में धोऊँगी। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुमा मुबारक। एक्चुअली ये तो जुमेरात का दिन है, आपको एक दिन वीडियो लेट मिलता है, आप सब लोगों को तो पता ही है। चलिए पहले तो मैंने सुबह नमाज से पहले क्या बोलते हैं एक थायराइड की गोली खाकर नमाज पढ़ के सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ 8 बजे के आसपास, ठंडे पानी में 4 क्यूब 1 ड्रॉप शुगर फ्री का डालकर और 1/4 चम्मच कॉफ़ी डालकर उसे पी लिया। उसके 2 घंटे के बाद ये देखिए मैं है ना ये स्मूदी बना रही हूँ। 1/4 कप उतना ओट्स भून कर डाला है और 2 बादाम 1 खजूर आधा अखरोट डाला है और 1 एप्पल डाला है। और एप्पल से भी ज़्यादा बनाने का जो मैंने कल शेक बनाया था ना वो ज़्यादा टेस्टी था, ये हल्का टेस्टी था, ज़रा पिकट पिकट मार रहा था मतलब मुंह भर के मज़ेदार नहीं था, बनाना वाला शेक मुंह भर के मज़ेदार था। तो ये बनाकर आज मैं ये ब्रेकफास्ट कर लूँगी। इतना फुलफिल होता है अगर आपकी रात में नींद हुई है अच्छे से तो ये पी लेंगे तो 4 घंटे तक तो भूख लगने का नाम नहीं लेती है। चलिए 2 गाजर 2 ककड़ी थोड़ा सा पत्ता गोभी कट करके रखा है, पत्ता गोभी मुरमुरे वगैरह के साथ ऊपर से डालकर खाऊंगी, अच्छा लगेगा। ये सब तैयारी करके रखती हूँ क्योंकि टाइम पर खाने के लिए जल्दी से मिल जाए। ये देखिए जुड़वा फूल खिल गए हैं पूरे अच्छे से, पिछले वीडियोज़ में कली बताई थी ना, ये फूल खिल गए हैं देखिए। चलिए इसे इसमें डाल देते हैं। और हर वीडियो दूसरे वीडियो से लिंक होता है बोलती हूँ ना मैं, मेरी भाभी वही बोल रहे थे, रानी आपा आप ड्रेस जो लिए ना बहुत अच्छा लगा। भाभी मतलब मेरे छोटे भाई की मिसेस हैं, तो आपने दूसरे वीडियो में बताया ना ड्रेस ख़राब आया बोलकर, तो मैं भी दिमाग से निकाल दी कि उसे लाना है बोलकर। चलिए छन्नी को जलाकर उसे साफ़ कर लिया। और इधर देखिए चिड़िया घोंसले में बैठी है और हमारे इधर ये नाग सांप आया है, तो इसे अब ये सबको एक बार दिखा है ना तो परेशान ही करेगा, बच्चों के पैर में आएगा, किसी को काट ना ले बोलकर हम ये क्या कहते हैं सर्प मित्र सांप का दोस्त है, ये दो लोग जो है ना इन्हें कॉल करके बुलाए हैं। अब ये पकड़कर अच्छे से बैग में डालकर दूर जंगल में छोड़ देंगे इसको। इस तरह से सांपों की क्या बोलते हैं हम थोड़ा बहुत तो केयर करते हैं हर जानवर का, मतलब पहले हकाल देते हैं हुश बोल के, अगर चला जाए तो ठीक है, अगर दोबारा दोबारा आँखों को दिखे ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। इससे पहली बार है ना वो रूही बोलते हैं ना तो वो गिर गया था नाले में, तब भी हमने फॉरेस्ट वालों को बुला कर उसे भेज दिया था। चलिए मतलब थोड़ा बहुत हम लोग ये केयर लेते ही हैं। वैसे बाकी छोटे परिंदे वगैरह पैर टूट के पर टूट के आ जाते हैं ना तो उन्हें रिपेयर करके हवा में उड़ा देते हैं, मतलब 2-3 महीने तो मैं रखती हूँ, हर कोई लाकर मुझे देता है, मैडम देखिए ये गिर गया ये मर गया इसका पैर टूटा बोलकर। अभी थोड़े इतने दिनों में कम हुआ है, सांप तो अच्छे से आ जाते हैं, देखो जी कोई बच्चा आया है इसे क्या करने का बोल के फिर मैं कपड़े में पकड़कर फीड कराती हूँ, जब बच्चा उड़ने के मतलब पैरोट का बच्चा मैना का बच्चा कोयल का बच्चा कोई भी जो चिड़िया होती है ना वो मिलते हैं तो उन्हें हम ऐसे करके फिर 2-4 महीने अच्छे से ये करते हैं, जब उड़ने के लायक होते हैं तो उड़ा देते हैं। ये तो रूटीन है, अभी तो व्लॉगिंग शुरू है तो अगर वो भी बच्चे आ जाएंगे ना तो आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मसूर की दाल भीगने डाली 250 ग्राम, उसके बाद मैं फ्रेश होकर आई, उसके बाद थोड़ा सा ककड़ी गाजर उतना खा ली पर खाए नहीं गया वो, कैसा तो भी लग रहा था आज अच्छा नहीं लग रहा था, फिर उतना सा आधा सारा खा के उसको रख दी। उसके बाद देखिए ये मसूर की दाल तड़का दे रही हूँ, प्याज डाला तेल में 4 चम्मच डाला है क्योंकि मेरे सहेलियों को भी ये दाल देना है।
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़े साइज़ की प्याज, दो बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छे से गला लिया। ऊपर से मसूर की दाल डालकर एक गिलास उतना पानी डालकर उसको भी पका लिया, देखिए इस तरह से। और उधर चावल उबल गए थे, पानी निकाल के 4-5 मिनट तक दम छोड़ा है, उसको भी बंद कर लिया। अब इसको 1 या 2 सेकेंड के लिए ही ढकूंगी, उसके बाद निकाल दूंगी, बाद में ढकेंगे नहीं इसको, नहीं तो ये दाल है ना बहुत जल्दी ओवर कुक हो जाती है। देखिए ये तो मतलब 80% तक पक गई है। 1/4 चम्मच काला मसाला डाला, आप गोड़ा मसाला भी डाल सकते हैं या फिर बाज़ार वाला कोई भी सब्ज़ी मसाला डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर दिया, अब खुला ही रखूँगी। खुला रखने से ये दाल ऐसी थाड़ी थाड़ी रहती है। दाल और चावल का प्लेट मेरा है, दाल और रोटी का प्लेट पात्री साहब का है, मेरे फ्रेंड के घर से देखिए पड चने की सब्ज़ी चटनी आई है, वो खा लिया एक एक का। और ये 4 बजे की चाय हो गई। आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, 7 बज रहे हैं और मैंने उस दोपहर में 4 बजे की चाय पी थी और बहुत ज़ोर सर दर्द हो रहा था। बस 2 निवाले चावल और लौकी की इतनी सारी दाल मेरी सहेली की इधर से आई थी वो खाकर, और 1 कप चाय पी है मैंने 5 बजे के आसपास, और अभी मेरी भूख नहीं है। और सर दर्द की एक मैं आयुर्वेदिक गोली भी ली हूँ, क्योंकि ये कल रात से है ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है और नींद भी सही से नहीं हो रही है। जितनी अच्छी नींद होगी ना उतनी ज़्यादा स्वेलिंग अच्छे से जाती है, पर थोड़ा सा यूसुफ का टेंशन वगैरह होकर है ना मुझे नींद नहीं आ रही है। चलिए अभी रात को अगर मुझे भूख लगी तो ही मैं वो स्मूदी जो सुबह में बनाई हूँ ना वही रात में बनाऊंगी। वैसे अक्सर नहीं बनाती हूँ, कोई भी एप्पल बनाना वगैरह खा के सो जाती हूँ। और ये देखिए पेड़ पर ही चिड़िया आम कैसे खाकर जा रहे हैं, अब पूरे आम ऐसे ही करके खराब कर देंगे। और आज मेरी तबीयत खराब थी ना, तो जितना सलाद मुझे खाना चाहिए वो भी नहीं खाई मैं, और इवन खाना भी मैंने जो प्लेट में बताया था ना उसमें के चावल और दाल भी बचाए थे मैंने, तो मतलब ओवरऑल में आज मेरी कैलोरी भी कम गई है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं समझ लीजिए वैसा हो रहा है। और डाइट करते समय ये होता ही है। इसके बाद क्या होता है, सर दर्द जोर दर्द करने लगता है तो ऐसा लगता है हमने कार्ब कम खाई इसलिए पेट भर के कार्ब खा के बैठ जाते हैं। तो आज मैंने वैसा नहीं किया, बस 2 निवाले और इतनी सारी लौकी की सब्जी खा के निपटा दिया है, अब सर दर्द आराम हो रहा है। और ये देखिए ड्रम स्टिक के फलियां कितने सारे तोड़ के लाए हैं, ये तो पूरी लकड़ियां जैसी ही नहीं सॉफ्ट है, मतलब दाल में 2 दिन सीटी लेंगे तो जम जाएगा। मैं तो इसका साइज देख के सोची ही लकड़ी हो गई। नहीं, दाल में पकाने के लायक है, जरूर पकाऊंगी इसे मैं इंशाल्लाह। 2 तो रखूंगी, बाकी सहेलियों को दे दूंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। स्ट्रिक्ट डाइट का आज मेरा ये पहले 2 दिन करी, 3 दिन नागपुर को गई, नागपुर में भी मैंने बहुत ध्यान से ही खाया है, कार्ब कम खाए हैं, चिकन और ककड़ी वगैरह साथ में लेके ही घूम रही थी वो खा रही थी, फिर भी मैं वो 3 दिन को कंसिडर नहीं करूंगी। और कल परसों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट हुई है और मैं काफी ज्यादा नीचे जाने के चक्कर में हूँ, क्योंकि मुझे इतना मोटापा पसंद नहीं है, जो मेरे कपड़े हैं वही आना चाहिए। क्या हर टाइम मोटे होते जाएंगे और कपड़े बड़े खरीदते जाएंगे, फिर उसमें मत एक बार तो फिर थैला खरीदना पड़ेगा। नहीं, जो मेरे कपड़े हैं मैं उसी में आना चाहती हूँ, इसलिए वेट लॉस में गई हूँ। चलिए अल्लाह का शुक्र है वेट लॉस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।